हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गर्मियों के मौसम में बनने वाली और उसे हम साल भर के लिए स्टोर कर कभी भी यूज कर सकते हैं, ऐसे गेहूं से बनने वाली गुड़ई जो कि महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल रेसिपी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे मैं 15 किलो के हिसाब से रेसिपी बता रही हूँ, लेकिन मैंने 1 किलो के हिसाब से गेहूँ की गुड़ई कैसे बनाते हैं उसके सारे मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं। सबसे पहले 15 किलो गेहूं लेकर उसे पानी में डालकर 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लिया है। और फिर से इसे पानी से ढककर 3 दिन के लिए भिगो कर रखना है, लेकिन सुबह और शाम 2 बार इसका पानी चेंज करना है। ये पानी हम पौधों में डालते हैं ताकि पानी वेस्ट ना हो। 3 दिन बाद आप देख सकते हो गेहूं बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और काफी फूल भी गए हैं। अब इसका पानी निकालकर गेहूं को दरदरा पीसकर लेके आए हैं। आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी बारीक कर सकते हो। अभी इस मिश्रण को किसी बड़े बर्तन में पानी डालकर उसमें डालते हैं ताकि हम आसानी से गेहूं के छिलके और गेहूं का दूध अलग कर सके। अभी यहाँ पे हाथों से इस तरीके से गेहूं के छिलकों में से गेहूं का दूध निकालकर छिलके साइड में निकाल लेते हैं। इन छिलकों की सब्जी भी बनाई जाती है। यहाँ पे पूरी तरह से गेहूं के छिलके और गेहूं का दूध अलग हो गया है। अभी इसे फिर से हमें कपड़े की मदद से छान लेना है ताकि इसमें थोड़े भी छिलके ना रहे और इससे हमारी कुड़े भी अच्छी बनती है। अभी इसे 8 से 10 घंटे के लिए ढककर रखना है ताकि ऊपर सारा पानी आ जाएगा और नीचे सिर्फ मिश्रण बचेगा जो कि हमें कुड़े बनाने के लिए चाहिए। 10 घंटे के बाद आप देख सकते हो गेहूं का मिश्रण नीचे रह गया है और सारा पानी ऊपर आ गया है, जिसे हमें निकाल देना है। अभी इस मिश्रण को निकालकर हाथों की मदद से बारीक करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सख्त हो जाता है। कुछ इस तरीके से मिश्रण की कंसिस्टेंसी हो गई है। अभी इसे फिर से एक बार छान लेना है ताकि गुठलियां ना रहे। अभी इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहते हैं, नहीं तो ये फिर से जमने लगता है। तब तक बड़े पतीले को चूल्हे पर रखना है, उसमें ऑयल डालना है और जितना मिश्रण है उतना ही पानी डालना है। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डालना है और बाकी कुछ नहीं डालना। ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं। बाद में पानी के ऊपर ढक्कन रखकर इस पानी को उबाल आने देना है। यहाँ पे पानी को उबाल आ गया है। अभी इसमें गेहूं का मिश्रण डालकर चलाते रहना है जब तक कि यह गाढ़ा ना हो जाए। इसे चलाने के लिए 2-3 लोगों ने हेल्प की है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ज्यादा क्वांटिटी में दिखाया है। अब ये मिश्रण थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने लगा है। हमारा मिश्रण हो गया है
कि हम कैसे चेक करेंगे, थोड़ा सा पानी हाथ पे लगाकर वो मिश्रण हाथ में लेंगे। अगर वो हाथ को चिपका नहीं तो हमारा मिश्रण कुड़े के लिए रेडी है। अभी इसे ढककर 15 मिनट के लिए रखना है ताकि ये और अच्छे से पक जाए। 15 मिनट के बाद इसकी कुड़े बना लेते हैं। यहाँ पे हमारी सारी कुड़े बनकर तैयार है और इसे पूरा दिन धूप में सुखाने के लिए रखना है। धूप में सूखने के बाद कुड़े कुछ इस तरह से दिखती है। यहाँ पे कुछ कुड़े सूखने की बाकी है, इसे हम फिर से दूसरे दिन धूप में सुखाने के लिए रखते हैं। दो दिन धूप में कुड़े सूखकर बिल्कुल तैयार है। अभी इसे ऑयल में फ्राई कर देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कुड़े कितनी फूली फूली बन गई है। ये बिल्कुल डबल साइज की कुड़े हो जाती है। बहुत ही अच्छी बनती है और बच्चों को तो बहुत पसंद आती है। आप इसे 1 से 2 साल तक आराम से एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर कभी भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 1 किलो कुड़े के मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।